हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होगा। दोस्तों, जो व्यक्ति जिस देश में पैदा होता है अक्सर उसे उसी देश का नागरिक मान लिया जाता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने देश से ज्यादा दूसरे देश ज्यादा लुभावने नजर आते हैं और पूरी जिंदगी अन्य देशों की नागरिकता पाने के चक्कर में लगे रहते हैं। देखिए, किसी भी देश की नागरिकता पाने के लिए उस देश के नियम कायदों का पालन करना होता है। सभी कागज पूरे करने के कई साल बाद भी कुछ देश की नागरिकता नहीं मिल पाती, तो वहीं दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां की नागरिकता बड़ी आसानी से पाई जा सकती है। यानी कि आप पैसों के दम पर तो वहाँ की लड़की से शादी कर लें या फिर अन्य तरीकों से आप कुछ देश की नागरिकता पा सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही देशों के बारे में बताएंगे जहाँ आप आसानी से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं और कुछ समय में ही आपको इन देशों की नागरिकता मिल भी जाएगी। चलिए अब देर न करते हुए आज की मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। टर्की। टर्की एशिया और यूरोप महाद्वीप में बसा हुआ एक देश है जो दुनिया के चुनिंदा यूरेशिया देशों में आता है। टर्की में कई देशों की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। ये एकमात्र मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो खुद को एक धर्म निरपेक्ष देश की श्रेणी में रखता है। टर्की की नागरिकता कई तरीकों से पाई जा सकती है। अगर आपके माता पिता में से कोई भी एक टर्की से ताल्लुक रखता है तो आप टर्की की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैसों के दम पर या इसी देश में इन्वेस्ट करके भी यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको टर्की में कोई जमीन खरीदनी होगी या फिर बैंक अकाउंट में एक फिक्स डिपॉजिट जमा कराना होगा या फिर कोई अन्य निवेश करना होगा जिसकी अवधि कम से कम 5 साल हो। निवेश की मिनिमम सीमा 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर्स है, यानी कि 1.85 करोड़ रुपए के आसपास निवेश करके आप टर्की की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस देश में अगर आप 5 साल तक लगातार जॉब करते हैं तो भी आप यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। टर्की के पासपोर्ट के जरिए आप दुनिया के 11 देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं, जिनमें जापान, हांगकांग और सिंगापुर जैसे देश भी शामिल है। साथ ही ज्यादातर यूरोपीय देशों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। माल्टा। दोस्तों, माल्टा का नाम दुनिया के 10 सबसे छोटे देशों में आता है। एक समय था जब कोई भी व्यक्ति माल्टा के नागरिक से एंगेजमेंट करके यहाँ की नागरिकता पा सकता था, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान यहाँ की नागरिकता पाने के नियम काफी सख्त हो गए हैं और अब यहाँ की नागरिकता पाने के लिए आपको शादी करना जरूरी है। हालांकि इसके अलावा भी कई तरीकों से आप माल्टा की सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी प्लॉट या घर 3 साल के लिए रेंट पर ले सकते हैं, जिसके बाद आप यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इस देश में 7.5 लाख यूरो को 1 साल के लिए या फिर 6 लाख यूरो को 3 साल के लिए इन्वेस्ट करके भी आप यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। माल्टा घूमने के लिहाज से काफी अच्छा देश माना जाता है और इसका पासपोर्ट भी मजबूत होता है। माल्टा की नागरिकता मिलने के बाद आप इसके पासपोर्ट के जरिए दुनिया के 186 देश घूम सकते हैं, जिनमें से 144 देशों में आपको वीजा की जरूरत नहीं होती और अन्य देशों में आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। सेंट किट्स एंड नेविस। दोस्तों, ये एक खूबसूरत कैरेबियाई देश है जो 2 अलग अलग द्वीपों से मिलकर बना है। दुनिया भर में ये आइलैंड कंट्रीज अपने खूबसूरत समुद्री तटों के लिए पॉपुलर हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप बेहद ही आसानी से सेंट किट्स एंड नेविस की नागरिकता खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको 1.5 लाख डॉलर का फंड यहाँ की सरकार को देना होगा। ये काम आप इस देश के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद भी कर सकते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के जरिए भी आप इस देश के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर 2 से 2.5 लाख डॉलर की कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होगी। इस देश में पैदा होने वाले नागरिकों को स्वयं ही यहाँ की नागरिकता मिलती है। इस देश के पासपोर्ट के जरिए आप 80 देशों में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं, तो वहीं लगभग 70 देशों में आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा, यानी पहले से आपको वीजा के झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मोंटेनेग्रो। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने इस देश का नाम पहली बार सुना होगा। ये यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है। इस देश में आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके यहाँ की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ के नॉर्थ या सेंट्रल पार्ट में जमीन लेते हैं तो आपको 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करना होगा और कोस्टल एरिया में नियम कम से कम 4 लाख डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का है। यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन करते समय आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। इसके अलावा आपका किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। एक बार सिटीजनशिप मिलने के बाद आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ रह सकते हैं। मोंटेनेग्रो का पासपोर्ट दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स की सूची में 47वें नंबर पे आता है, जिसकी मदद से आप लगभग 126 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। ग्रेनाडा। एक बार फिर कैरेबियाई देशों का रुख करते हुए ग्रेनाडा की ओर हम आ गए हैं। इस देश में अगर आप नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपकी आने वाली सभी पीढ़ियां यहाँ के सिटीजन होंगे। यहाँ की नागरिकता के लिए आपको सरकार के फंड में 1.5 लाख डॉलर्स जमा करने होंगे और सिर्फ 2 महीनों में ही आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसके बाद आप इस देश में आराम से रह सकते हैं, घूम सकते हैं और कमाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ग्रेनाडा के पासपोर्ट की मदद से आप दुनिया के 144 देशों की यात्रा बिना वीजा के अप्लाई किए कर सकते हैं, जिनमें चीन, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देश शामिल हैं। बेलीज।
बेली सेंट्रल अमेरिका का दोस्तों एक देश है और हर साल 10 लाख से ज्यादा पर्यटक इस देश में घूमने के लिए आते हैं। इसी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा मानी जाती है। अभी तक हमने जितने देशों की बात की ना, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके यानी पैसों के दम पर नागरिकता हासिल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बेलीज में ऐसा नहीं है। यहाँ की नागरिकता के लिए आपको 5 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। 5 साल परमानेंट रेसिडेंट बनने के बाद आप यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर शर्त यह है कि आपकी मासिक आय कम से कम $2,000 हर महीने की होनी चाहिए। इसके अलावा बेलीज की नागरिकता हासिल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप यहाँ के किसी नागरिक से शादी कर लीजिए। शादी के मात्र 6 से 8 महीने के भीतर ही आपको इस देश की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। इस देश के पासपोर्ट की मदद से आप 101 देशों में बिना वीजा के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं। इस देश में बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी की जाती है और मछलियाँ भी बड़ी मात्रा में यहाँ से अफ्रीका के कई देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। ये देश स्क्यूबा डाइविंग करने वाले लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। कोलंबिया। इस देश का नाम अमेरिका और भारत की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर रखा गया है। कोलंबिया एक बहुत ही कमाल का देश माना जाता है जो लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आता है। इस देश में आप $1.5 लाख का निवेश करके नागरिकता हासिल कर सकते हैं या फिर यहाँ के किसी लड़के से या लड़की से शादी करके आप इस देश के नागरिक बन सकते हैं। यहाँ की नागरिकता हासिल करने के बाद कम से कम एक बार आपको इस देश में विजिट करना होगा, वरना आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। कोलंबिया के पासपोर्ट के जरिए आप दुनिया के 131 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं, जिनमें यूरोपियन यूनियन, रशिया, सिंगापुर और फिलीपींस जैसे कई बड़े शानदार देशों के नाम शामिल हैं। सेंट लूसिया। दोस्तों, ये खूबसूरत आइलैंड नेशन है जो लंबे समय तक ब्रिटेन का गुलाम रहा है। इस देश के लोग आज भी क्वीन एलिजाबेथ को अपनी महारानी मानते हैं। सेंट लूसिया में हर साल लाखों कपल्स हनीमून मनाने के लिए आते हैं। यहाँ का साफ पानी, लक्जरी रिसॉर्ट्स इसे एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाती है। सेंट लूसिया में साल 2016 में सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसके तहत आप इस देश के नागरिक आसानी से बन सकते हैं। अगर आप अकेले यहाँ की नागरिकता पाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ की सरकार के फंड में आपको $1 लाख की डोनेशन देनी होगी। अगर आपका परिवार 4 लोग का है तो 1.95 लाख डॉलर्स की डोनेशन देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट के जरिए भी यहाँ के सिटीजन बन सकते हैं। $3 लाख का रियल एस्टेट में निवेश करके या फिर $2.5 लाख के गवर्नमेंट बॉन्ड आपको खरीदने होंगे। अगर आप सरकारी प्रोग्राम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में आपको आपके इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। सेंट लूसिया के पासपोर्ट के जरिए आप लगभग 146 देशों में वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। स्पेन। दोस्तों, स्पेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश में भी आपको भारत की तरह ही विभिन्नताओं में एकता वाली संस्कृति देखने को मिलेगी। यहाँ के हर शहर में अलग कल्चर, अलग वेशभूषा और खान पान देखा जाता है। एक मजबूत और शक्तिशाली देश होने के बावजूद स्पेन ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से खुद को दूर रखा था। इस देश में नागरिकता पाने में 5 साल तक का समय लग सकता है। साथ ही यहाँ की नागरिकता पाने के लिए इन्वेस्टमेंट की रकम भी ज्यादा है। 5 लाख यूरो इन्वेस्ट करने के 5 साल बाद आप सब परिवार स्पेन की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये रकम आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन एक बार अगर आपको स्पेन की मेंबरशिप मिल गई तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि स्पेन का पासपोर्ट दुनिया के 5 सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स में से एक माना जाता है, जिससे आप दुनिया के 194 देशों में 194 कंट्रीज में बिना वीजा के लिए अप्लाई किए ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पेन के किसी नागरिक से शादी करके यहाँ की नागरिकता पा सकते हैं, लेकिन देखिए उसके लिए आपको 1 साल तक यहाँ की सरकार को इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। पुर्तगाल। पुर्तगाल अपनी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में जाना चाहता है। मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इसी देश से हैं। यूरोप का सबसे बड़ा पुल वास्को डी गामा ब्रिज भी पुर्तगाल में ही बना हुआ है। पुर्तगाल में साल 2012 में गोल्डन वीजा प्रोग्राम शुरू किया गया था, जो काफी हिट साबित हुआ। इसके तहत आप 3.5 लाख से 5 लाख यूरो का इन्वेस्टमेंट कर पुर्तगाल की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। हालांकि 2 साल के बाद अगर आपका मन बदल जाए तो आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं और यहाँ की नागरिकता को कैंसिल भी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पुर्तगाल की नागरिकता पाने के बाद आपका यहाँ रहना जरूरी नहीं है। एक बार नागरिकता मिलने के बाद 7 दिन आपको यहाँ बिताने होंगे, जिसके बाद सभी प्रकार की पाबंदियाँ आप पर से हट जाएंगी। पुर्तगाल का पासपोर्ट दुनिया का 6ठा सबसे मजबूत पासपोर्ट है, जिसके जरिए दुनिया के 191 देशों में आप बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल के साथ यात्रा कर सकते हैं। इसी वजह से दुनिया भर से हजारों लोग हर साल इस देश में नागरिकता पाने के लिए आवेदन करते हैं। तो दोस्तों, ये तो दुनिया के 10 वो देश जहां की नागरिकता आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और इन देशों की नागरिकता से आपको क्या फायदा होगा इस बारे में भी आप जान गए होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वैसे अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से कौन से देश की नागरिकता के लिए आवेदन करना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।